नमस्कार। आज मैं आप लोग को जो कुछ 10th क्लास का सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से स्कूल ट्यूशन सब बंद है। हमने रात में सोचा कि आप लोग को ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताएं। तो आज मेरा ये पहला दिन है, डे वन। डे वन में हम जो है कि सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथ्स, यानी कि मैथ्स का सिलेबस, क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्लास 10th पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, तो सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है। क्लास 10th हो, 9th हो, 11th हो, आप कहीं भी, सबसे मैंने क्लास 8 में है तो 9th में जाइएगा, 9th में है तो 10th में जाइएगा, 10th में है तो 11th में जाइएगा। तो सबसे पहले उस क्लास का सिलेबस जानना पड़ता है। आज हम पहला डे में सबसे पहले हम आप लोगों को क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन करके आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। आज ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश की बात की जाए रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा चैप्टर नेक्स्ट है बहुपद, इंग्लिश की बात की जाए तो पॉलिनोमियल्स, क्या है, पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट है तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले सिलेबस पे, इंग्लिश की बात की जाए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इंग्लिश की बात की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 5 समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोला जाए ए पी, क्या बोलेंगे इसको, ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट चैप्टर 6 त्रिभुज, आप लोग सब जानते होंगे त्रिभुज, ट्रायंगल्स, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। सब लोग छोटा क्लास में जानते होंगे, सब छोटा छोटा चीज है। नेक्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ये 7th चैप्टर हुआ निर्देशांक ज्यामिति। आप लोग जानते होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में ये होता है चतुर्थांश, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु 0 0, इधर जो भी होता है प्लस में होता है, यहाँ पे 0 0 इसका वैल्यू होता है। यहाँ मानते हैं कि 1 तो 2 तो 3, तो इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे -2, इधर आएंगे -3, इधर आएंगे -4, ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, ये सेम डिस्टेंस पर होता है, बराबर बराबर दूरी पर होता है। इधर आएंगे -1, इधर आएंगे -2, इधर आएंगे -3, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोल देंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है भाई। ये वाला घर में देख लीजिएगा कि ये भी प्लस हुआ प्लस, यानी कि ये घर हुआ प्लस, प्लस का ये हो गया एक्स का माइनस वाई का प्लस का, ये हो गया एक्स का माइनस वाई का
माइनस का ए हो गया, एक्स का प्लस का, वाई का माइनस का घर हो गया, ठीक है। तो इसमें यही इसी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, ये सिलेबस में था, हम थोड़ा सा बता दिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट चैप्टर हो गया त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर होगा त्रिकोणमिति, नाइन्थ होगा त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यहाँ पे सीखना है हम लोग को त्रिकोणमिति के बारे में, और नाइन्थ में उसका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इंग्लिश की बात की जाए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और नेक्स्ट चैप्टर आपका हो गया टेंथ, दसवां चैप्टर हो गया वृत्त, इंग्लिश की बात की जाए तो सर्कल, ठीक है। अब आगे बताएंगे नेक्स्ट 11 चैप्टर। तब नेक्स्ट 11 चैप्टर होगा आपका रचनाएं, क्या होगा रचनाएं, इंग्लिश की बात की जाए तो जानते होंगे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन और नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। नंबर 13, 13 चैप्टर आपका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ आयतन, सरफेस, पृष्ठीय का हुआ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स। नंबर 14 चैप्टर आपका होगा सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकी स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स ना। नंबर 15 चैप्टर आपका होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आप लोग को हम बता दें कि ये जो 15 चैप्टर हुआ, 15 चैप्टर हुआ, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे कि जैसे देखिए कि यहाँ से ऋतु से संबंधित क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का रिलेशन है, क्षेत्रफल का रिलेशन है, तो आप दोनों चैप्टर लग रहा है कि एक ही टाइप का होगा, एक ही फॉर्मूला यूज होगा, तो ये दोनों चैप्टर हम लोग एक बार पढ़ेंगे, दोनों चैप्टर क्या करेंगे एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जिस चैप्टर को जिसके साथ रिलेशन है सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम बता दें आप लोग को कि हम सबसे पहला क्लास आप लोग को देंगे निर्देश, चैप्टर 7 है, हम फर्स्ट फर्स्ट क्लास में तो आपका ये हो गया सिलेबस, जो हम लोग सेकेंड डे पढ़ाएंगे डे 2 जो मेरा रहेगा, और डे 2 में जो है कि रिलेशन नहीं है, उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे जो मेरा पहला क्लास होगा निर्देशांक ज्यामिति का मेरा क्लास होगा, सबसे पहले इसके बारे में हम बता देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1।
अगला वीडियो में, ठीक है? 7.1 पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे अगला चैप्टर अगला वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो हुआ कंप्लीट, जिसमें हम डेवन हुआ। डेवन में सबसे पहले हम आप लोगों को 10th क्लास के मैथ का सिलेबस के बारे में बताएं, ठीक है? ध्यान से पढ़ना है वीडियो को, यूट्यूब पे हम जो शेयर करेंगे उसको सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है, ठीक है? चलो धन्यवाद।